Good morning, students. I'm Reshu, your English teacher. So, students, as we have completed our chapter nine, and first of all, I want to inform you that the chapters, chapter ten and chapter eleven, are the deleted chapters. Okay, uh, they the, both the chapters will not come in your examinations. Okay, so today we'll do the chapter twelve, the story of the of bandaid. Okay, so in this story, you will know about the about two characters, uh, Mr. Dixon and his wife. Okay, in this story, we will know about the band-aid. Okay, uh, usually we use uh, we use the band-aid when we get hurt. We uh, we wrap the band-aid around our wound. Hmm? So in this story also, we'll know about the band -aid. So let's start. Mr. Dixon worked in the Johnson and Johnson's company. His wife loved to cook but often cut her finger or got her or got burned while cooking. Means जो मिस्टर डिक्सन हैं वो जॉनसन एंड जॉन्सन कंपनी में वर्क करते हैं और उनकी पत्नी को क्या अच्छा लगता है उनकी वाइफ को अच्छा लगता है खाना बनाना लेकिन अक्सर वो क्या कर लेती हैं अपनी जो फिंगर हैं उसको कट कर देती हैं या फिर उसको जला लेती हैं जब वो कुकिंग करती हैं ओके सो वन डे शी मेड अ पॉट ऑफ सूप एंड बर्न हर फिंगर्स मीन्स कि एक दिन उन्होंने एक पॉट में क्या बनाया सूप बनाया और क्या कर लिया अपने फिंगर्स को जला लिया ठीक है आउच शी क्राउड शी क्राइड सॉरी ओ चिल्लाई कि आउच एकदम से जब हाथ जल जाता है तो हम भी चिल्लाते हैं कि हाँ हमारा हाथ जल गया है ये वो तो ऐसे ही वो चिल्लाई मिस्टर टिक्सन रैन टू हर एंड टोल्ड हर टू पुट हर फिंगर्स इन कोल्ड वाटर मीन्स मिस्टर डिक्सन एकदम भाग के उनके पास आए और उन्होंने बोला कि आप अपनी फिंगर्स को ठंडे पानी के अंदर रखिए देन ही रैप्ड हर फिंगर्स विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ्स फिर उन्होंने क्या किया उन्होंने रैप्ड मतलब होता है किसी चीज़ पर लपेटना ठीक है कि उन्होंने फिर उनकी फिंगर्स को एक साफ़ कपड़े के पीस से क्या कर दिया रैप कर दिया मतलब लपेट दिया फिर वॉट इज़ दिस शी सैड उन्होंने बोला कि ये क्या है दैन दिस पीस ऑफ क्लोथ विल प्रोटेक्ट योर फिंगर्स सैड मिस्टर डिक्सन इट इज़ कॉल्ड अ बैंडेज मीन्स कि उन्होंने कहा कि ये क्लोथ आपके चोट को सही कर देगा प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना मतलब सुरक्षित रखेगा आपकी चोट को और ये क्या है इसे इसे बैंडेज बोलते हैं क्या बोलते हैं बैंडेज बैंडेज क्या होता है बैंडेड होता है या फिर बैंडेज किसको बोलते हैं जो पट्टी होती है ठीक है तो ये किस लिए लगाया जाता है जिससे कि हमारा चोट जल्दी ठीक हो जाए इसलिए तो लगाया जाता है ना तो इसीलिए मिस्टर डिक्सन ने भी अपनी वाइफ के जो फिंगर्स हैं उन पर बैंडेज लगाया था ओके द नेक्स्ट डे शी बेक द केक एंड बर्ड हर हैंड अगले दिन क्या हुआ वो एक केक बना रही थी बेक कर रही थी और उन्होंने अपने हैंड जला लिए हर हसबेंड केम रनिंग एंड रेप अनदर पीस ऑफ क्लीन क्लोथ अराउंड हर हैंड और उनके फिर से जो हस्बैंड थे वो भाग कर आए और उन्होंने उनके हैंड को एक साफ uh, क्लोथ से पीस ऑफ क्लोथ से क्या कर दिया रैप कर दिया फिर से उन्होंने उनके हाथ पर बैंडेज लगा दिया सम डेज लेटर एज शी वॉज कटिंग द वेजिटेबल शी कट हर लिटिल फिंगर ओ नो द ब्लड विल नॉट स्टॉप डू समथिंग मिस्टर डिक्सन मीन्स जब कुछ दिन बाद वो क्या कर रही थी सब्जियां काट रही थी तो उन्होंने फिर से अपनी जो लिटिल फिंगर होती है उसको कट कर लिया लेकिन क्या हुआ उसमें ब्लड नहीं रुका फिर द ब्लड विल नॉट स्टॉप द डू समथिंग कि ब्लड नहीं रुकेगा कुछ करिए उन्होंने फिर मिस्टर डिक्सन से कहा शी क्राउड क्राइड आउट मतलब उन्होंने चिल्लाया कि मिस्टर डिक्सन डू समथिंग द ब्लड विल नॉट स्टॉप He could not find a piece of clothes so, she, he, uh, so quickly. So he put the medicine in some cotton wool and stuck it on her finger. विदा बिट ऑफ स्टिकिंग प्लास्टर मतलब उन्हें जब एक वो पीस नहीं मिला बैंडेड नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया उन्होंने एक मेडिसिन ली और कॉटन और वूल पर उसे थोड़ा सा मेडिसिन को लिखा रखा और इस्टकिन और उनके फिंगर पर लगा दिया विदा बिट ऑफ स्टिकिंग प्लास्टर प्लास्टर जैसे हमारे होता ना तो प्लास्टर के थ्रू उन्होंने वो छिपका दिया ऐसा हो गया ऐसे कि प्लास्टर हुआ हो ठीक है फिर नाउ मिस्टर डिक्सन इन इना फिक्स मीन्स इना फिक्स मतलब कि वो अब एक मुसीबत में थे कि हर दिन एवरी डे वुड बर्न और कट हर सेल्फ एंड हर हजबेंड वुड हैव टू सर्च फॉर अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ कट इट इनटू स्ट्रिप्स पुट मेडिसिन एंड रैप इट अराउंड द एरिया मीन्स कि वो हर दिन अपना हाथ काट ले रही थी या जला ले रही थी तो फिर उनके हस्बैंड मिस्टर डिक्सन को क्या करना पड़ रहा था एक साफ़ कपड़ा लेके उसकी स्ट्रिप्स काटनी पड़ रही थी फिर उसको उनके चोट के चारों तरफ लगाना पड़ रहा था थोड़ी सी मेडिसिन उस पर डाल के फिर क्या होता है सो वन डे ही सेट डाउन एंड कट स्मॉल स्टिप्स ऑफ क्लोथ पुट सम मेडिसिन इन द स्मॉल एरिया ऑन इट स्टक इन टू लिटिल बिट्स ऑफ स्टिकी क्लोथ एंड कैप्ट इट रेडी इफ हिज वाइज हर्ट हट हर्ट हर सेल्फ मतलब वो छोटे छोटे पीस काट रहे थे कपड़े के और उस पर मेडिसिन लगा कर रख रहे थे क्यों क्योंकि अगर उनकी वाइफ ने अपने आप को जला लिया या कट कर लिया तो वो एकदम से क्या कर सकते हैं वो एकदम से वो स्टिप्स उठाकर उनको लगा सकते हैं ठीक है दिस इज हाउ बैंडेड वॉज इन्वेंटेड और इस तरह से बैंडेड इन्वेंट हुआ जो बैंडेड हम एकदम से लगा लेते हैं अपने हाथ पर तो क्यों लगा लेते हैं क्योंकि वो एक साफ़ कपड़ा होता है उस पर केवल दवाई लगी होती है जरा से येल्लो येल्लो जो उसका पोर्शन होता है उस पर क्या लगी होती है मेडिसिन जिससे कि हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाए जिससे कि उस पर चोट पर हमारे कोई फ्लाइज़ ना बैठे या फिर हाँ और उस पर चोट ना लग जाए तो इससे उस दिन क्या हुआ बैंडेड का इन्वेंशन हुआ ठीक है सो Uh, read this chapter at your home okay we will meet now next in next video so till then bye bye take care thank you